हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा था, हमने ये खूबसूरत सा प्रॉब्लम किया था जो कि था स्प्रिंग एनर्जी का। ये आप देख सकते हैं इधर, पिछले वीडियो में ये था, ठीक है। तो अभी आज के वीडियो में हम दूसरा कंटिन्यूएशन में ये एग्जांपल करने वाले, जो कि अच्छा मोस्टली बहुत कॉमन सवाल है, ठीक है। तो पहले इसको पढ़ते हैं। अ चेन ऑफ लेंथ एल एंड मास एम हैज हेल्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल विद 1/nth ऑफ इट्स लेंथ हैंगिंग ओवर द एज। व्हेन द चेन इज रिलीज्ड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द चेन व्हाइल लीविंग द टेबल। अच्छा, तो अभी इसको सिचुएशन क्या है। इनिशियल सिचुएशन कुछ ऐसा है, ये ऐसे लटका हुआ है, ठीक है। ये पहले चेन ऐसे लटका हुआ है इधर, और जब फाइनल कंडीशन क्या है, फाइनल कंडीशन थोड़ा सा ऐसे नीचे बना देता हूँ मैं, ऐसा कुछ है, ठीक है। ये है फाइनल कंडीशन, और उनको पूछा कि जब ऐसा सिचुएशन होगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। इधर वेलोसिटी कितनी है, जीरो, ओके। तो हम तो क्या लगा सकते हैं, इसमें कोई फ्रिक्शन ऐसा कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो हम ये लगा सकते हैं के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ, या तो अब इस फॉर्म में लिख सकते हैं डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू ज़ीरो, या तो डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, और कुछ लोग इसको ऐसा लिखना पसंद करते हैं कि गेन इन के ई, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। कई लोग इसे ऐसा भी लिखते हैं, तो इससे ये और ये सेम चीज़ है, तो इससे घबराएगा मत, ठीक है, सही की बात है। तो अभी पहले के इनिशियल तो कितना है, ज़ीरो। यू इनिशियल हम ऐसे फाइंड नहीं कर सकते, मैं बताऊंगा इसको, पहले यू इनिशियली रखते हैं। के एफ कितना हो जाएगा, हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर, जो हमको फाइंड करना है, और इसको यू, ये एफ है, ठीक है, यू एफ ही रखते हैं, ठीक है। टाइम बीइंग के लिए इसको मैं एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ, मान लो इधर रख देता, ठीक है, इधर हमने रख लिया है। तो अभी कोई भी कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट है, उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, मान लो कि ये ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई जमीन पर रखा हुआ है, तो उसके ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो सेंटर ऑफ मास की हाइट होती है, उससे निकालते हैं, ठीक है, ये पता चल गया आपको। तो मान लो मैंने इसके रेफरेंस पॉइंट क्या मान लिया, ये इसका मैंने रेफरेंस पॉइंट मान लिया है, ओके, ये रेफरेंस पॉइंट है, ओके। और चूंकि ये चेन बहुत थिन है, तो हम इसको क्या मान सकते हैं, बहुत थिन तो मैं भी बना देता हूँ, कुछ ऐसा है, ठीक है, ये एक मिनट मैं इसको अच्छे तरीके से बना देता हूँ। बहुत थिन है तो इसका जो हाइट है ऊपर कंसिडर मत करिए, ऐसे बहुत थिन है, ठीक है, ऐसा कुछ सिचुएशन है हमारे पास, ये हमारी है चेन। अच्छा, तो अभी इसके निकालने पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होगी, ये जो ये पार्ट है उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इधर कहीं, उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी वजह से ये होगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, अभी इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमें इस पार्ट, जो ये पार्ट है, उसका मास भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, ये पार्ट की लेंथ कितनी थी हमारी, ये पार्ट की लेंथ कितनी थी, एल बाय एन थी। तो दोस्तों, एल मास, एल लेंथ में एम मास है, तो एल बाय एन लेंथ में कितना मास होगा, एम बाय एनथ मास होगा, ठीक है, एम बाय एनथ मास होगा। तो इसका मास क्या है, इसका मास है एम बाय एनथ, और ये पॉइंट है, और जो ये पॉइंट है इसकी इधर से लेंथ कितनी है, एल बाय टू एन, ऑब्वियसली इसका लेंथ का आता है। तो दोस्तों, हम इसको ऐसा भी मान सकते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ, कि ये जो m बाय nth मास का पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और ये कितनी दूरी पर है, l बाय 2n की दूरी पर है, समझ गए आप लोग, ठीक है। इसके पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फटाफट बोलिए, u इनिशियल होगी माइनस, क्योंकि ये लाइन से नीचे, इसलिए क्या होगी, नेगेटिव होगी, माइनस mgl होती है, mgl, ये निकल गई। अब इसकी निकालते, इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल इधर सेंटर पे होगा, ठीक है, और ये कितने डिस्टेंस पे होगा, L बाई टू डिस्टेंस पे होगा, कैपिटल L बाई टू, और इसका मास तो पूरी चेन का मास तो M है। तो इसको क्या, इस क्वेश्चन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये जो पॉइंट मास है, मास M का, वो कितने नीचे है, L बाई टू के नीचे है, तो इसका U फाइनल क्या हो गया, माइनस एम जी एल बाई टू, ठीक है। अभी ये इन दोनों वैल्यूज़ को हम इसमें पुट कर सकते हैं, तो इसको ही मैं इधर लिख रहा हूँ, यू आई है माइनस एम एन, एक मिनट, माइनस
एम जी एल बाई टू एन स्क्वेड इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेड इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेड माइनस एम जी एल बाई टू। तो ये एम 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 ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इससे वेलोसिटी निकालेंगे तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इससे क्या आने वाला है, वी का आंसर अंडर रूट जी एल बाई वन माइनस एन स्क्वायर। बहुत ईजी, अब तो सिंपल मैथमेटिक्स ही, अब तो आप सिर्फ सॉल्व कर सकते हैं, फिजिक्स का पार्ट इधर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आप पे छोड़ रहा हूँ, आप इसे चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, ओके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी इसका और एक इलस्ट्रेशन बाकी है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, तब तक आप देखते रहिए JEE Multiverse। थैंक यू।